क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें इस कोरोना वायरस के और लॉकडाउन के संकट से ठीक से बचा के बाहर निकाल सके। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक वर्मा और मैं एक कॉरपोरेट फैसिलिटेटर और स्पीकर हूँ। चलिए साथ में चल के इसका जवाब ढूंढते हैं। ऑप्टिमिज्म एंड फेथ, आशावाद और आस्था, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं और हमने कई लोगों को आजकल कहते सुना है कि बी एन ऑप्टिमिस्ट, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। सच में क्या हमें पता है कि सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा? आज हम एक बहुत ही नए तरीके के इनविजिबल एनिमी यानी कि अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम इस पे कब विजय पाएंगे, सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त इन दो बातों के बीच का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हमें आशावादी रहना चाहिए, क्या उससे काम चलेगा, या किसी और चीज़ की ज़रूरत है? जो चीज़, जो बात और जो कहानी मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, जो थ्योरी मुझे सबसे ज़्यादा मेंटल सपोर्ट देती है और सही से फिट होती है इस सिचुएशन में, वो है स्टॉकडेल पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के बारे में सबसे पहले जिम कॉलिंस ने अपने बुक गुड टू ग्रेट में बताया था। ये कहानी है रियर एडमिरल जेम्स बी स्टॉकडेल की, जो 1964 के वियतनाम वॉर में अमेरिका की तरफ से लड़े थे और 9 सितंबर 1965 में लड़ते वक्त उनका प्लेन हमले में क्षतिग्रस्त हो गया और क्रैश कर गया। इस वक्त वो वक्त पे इजेक्ट कर गए और पैराशूट के साथ सेफली लैंड कर गए, पर लैंड किए दुश्मन के इलाके में, एनिमी टेरिटरी में, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्हें 8 साल तक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह हनोई की एक जेल में रखा गया। इस पीरियड में उनको कई बार टॉर्चर किया गया, बहुत ही अमानवीय प्रताड़नाएं दी गईं और बहुत ही अमानवीय तरीके से रखा गया। एक बार तो बहुत समय के लिए उन्हें एक ऐसे सेल में रखा गया जो सिर्फ 9 फीट बाय 3 फीट का था और उसमें कोई खिड़की तक नहीं थी। ऐसी स्थिति थी कि दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी, बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में भी जेम्स टिके रहे, जेम्स लड़ते रहे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो फाइट करते रहे, वो जिंदा रहे और अपने साथ के लोगों को मोटिवेट भी करते रहे और एक दिन बच गए और बच के वापस आए। फरवरी 1973 में उन्हें छुड़ाया गया और वो अमेरिका वापस आए अपने परिवार से मिले। बाद में जब जेम्स से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बचा के रखा, तो जेम्स ने बताया कि जिस शक्ति ने मुझे जिंदा रखा, बचा के रखा, वो था विश्वास, फेथ। एक अखंड विश्वास, एक अटूट आस्था कि वो बच जाएंगे, और ना ही वो बच जाएंगे बल्कि वो आकर वापस अपनी ये कहानियां भी सुनाएंगे। तो ये उनको बचा के रखा और उन्होंने अपने विश्वास पे कभी भी शक नहीं किया, चाहे कैसी भी परिस्थिति में, सिचुएशन में वो जी रहे हैं। जब जेम्स से पूछा गया कि ऐसे कौन से लोग थे जो ऐसे हालात में नहीं बच पाए, तो उन्होंने बताया वो जो ऑप्टिमिस्ट थे, जो आशावादी थे। अब ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी, क्योंकि आशावाद को तो हम बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और अब यहाँ पे कुछ और क्या गलत हो रहा है? तो जेम्स ने बताया कि जो आशावादी थे वो सोचते थे कि हम क्रिसमस तक छूट जाएंगे और अपने परिवार से मिल जाएंगे। फिर क्रिसमस आता और चला जाता और वो बहुत उदास हो जाते। फिर वो सोचते थे चलो शायद हम ईस्टर तक छुड़ा लिए जाएंगे और बच जाएंगे। फिर ईस्टर आता और चला जाता, फिर अगला क्रिसमस, फिर अगला ईस्टर। ये लोग टॉर्चर से ज़्यादा दिल टूटने से मारे गए। तो दोस्तों, हम भी ऐसी ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। पहले हम लॉकडाउन 1 के एंड होने का वेट कर रहे थे, अब हम लॉकडाउन 2 के अंत का वेट कर रहे हैं, पर हमें ठीक से नहीं पता कि ये एंड होगा या अभी और चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? क्या सिर्फ आशावादी होने से काम चलेगा? देखिए, आशावाद निराशावाद यानी कि पेसिमिज्म से बेटर है, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, पर यहाँ ज़रूरत है कुछ ज़्यादा की। यहाँ ज़रूरत है फेथ की, एक अखंड आस्था की, एक विश्वास की कि हम बच जाएंगे। इस वक्त हमें सेल्फ लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और एक डिसिप्लिन, जिसके बारे में हम सब सुन रहे हैं, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा और अपने विश्वास को बचा के रखना पड़ेगा कि अंत में विजय हमारी ही होगी। लास्ट में हम इस महामारी से जीत जाएंगे, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये बात, ये थ्योरी कहीं ना कहीं क्लैरिटी देती है, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और को इंस्पायर करना चाहते हैं, इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट 5 लोगों से वीडियो शेयर कीजिए। मैं फिर से कुछ इंटरेस्टिंग बात आपके बीच लेके आऊँगा। तब तक लिए गुड बाय।